विशेष तैयारी के लिए पहले तो हमने भोजन को त्याग किया, और भोजन की ये किसी मैंने डॉक्टर से या किसी सलाह नहीं ली। हाँ। बचपन से ही मेडिटेशन करने का बड़ा एक रुचि रही है। जब मैं छोटा था उसी टाइम मेरी माताजी एक्सपायर हो गई थी, तो बस एक मन में विचार था कि हम भगत सिंह तो नहीं बन सकते, लेकिन भगत सिंह की तरह हम युवाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन सकते हैं। ये आजकल बीमारियां बढ़ रही है। हाँ। तो एक फिटनेस का बहुत आजकल क्रेज चल रहा है, तो युवाओं को फिटनेस से जोड़ने के लिए मैंने मेरा जो इस ऊर्जा एनर्जी का जो राज रहा है वो प्राणायाम का रहा है, मेडिटेशन का रहा है। और प्राणायाम में इतनी ताकत है, इतनी एनर्जी है, हम कल्पना नहीं कर सकते। मैंने कभी ज़िंदगी में एक तो कभी फास्ट फूड का सेवन नहीं किया, कभी कोल्ड ड्रिंक है अभी नहीं खाया। कभी नहीं, मैं मेरा बाहर कार्यक्रम होते हैं, मैं बाहर भी जाना होता है, फिर मैं बाहर का खाना नहीं खाता, ये मेरा सख्त नियम है। सबसे बेस्ट खाना अपना घर का है, तो घर का खाना खाएं और खूब मेहनत करें और नशे से दूर रहें। नशा करना हो तो राजगुरु सुखदेव भगत सिंह, झांसी की रानी, उनकी तरह करें, कुछ समाज के लिए कुछ करने। साधारण से असाधारण तक की यात्रा लोगों के लिए असल में बहुत दुर्गम हो जाती है, क्योंकि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है ना कि आपको साधारण से असाधारण पथ पर चलना है, वो बहुत बहुत दुष्कर होता है। लेकिन जो लोग भी इस पथ पर निकल पड़ते हैं वो वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर्स बन जाते हैं, उनका नाम दुनिया के दर्ज हो जाते हैं किताबों में। आज मैं आपको मिलवाऊंगी एक ऐसे ही व्यक्तित्व से जिन्होंने कई बार स्वयं अपना रिकॉर्ड बनाया और कई बार उसे तोड़ भी दिया, और अभी हाल फिलहाल में ही उन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप जीता है। और वो किस लिए जीता है अगर आप जानेंगे ना तो आप हैरान हो जाएंगे। आज मेरे साथ हैं संदीप आर्या जी, जिनके बारे में ये कहा जाता है कि उन्होंने अनगिनत बार सूर्य नमस्कार करके लोगों को अचंभित कर दिया है, और इसलिए उनके नाम पर वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज हो चुका है। तो आज मुझे मौका मिला है उनसे बहुत सारी बात करने का। ये एनर्जी कहाँ से आई, वो कैसे सब कर पाते हैं, इन तमाम मुद्दों पर आज हम उनसे बातचीत करेंगे। संदीप जी नमस्ते, कैसे हैं आप? नमस्ते जी, बिल्कुल ठीक है। संदीप जी, सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए कि आपने अब तक कितने बार रिकॉर्ड बनाकर कितनी बार स्वयं उसे तोड़ दिया है? 6 बार विश्व रिकॉर्ड बनाए अभी तक। 6 बार? जी जी। और 6 बार आपने स्वयं ने तोड़ा, किसी और को मौका नहीं दिया आपने? अभी तक तो मौका मिला नहीं, और परमात्मा जैसा इच्छा होगी। तो आप चाहते हैं कि जितनी बार आप रिकॉर्ड बनाए उतनी बार स्वयं तोड़े? हाँ, एक ये मैसेज देना है युवाओं को कि हम भी फिट रह सकते हैं, क्योंकि आजकल बीमारियां बढ़ रही है। हाँ। तो एक फिटनेस का बहुत आजकल क्रेज चल रहा है, तो युवाओं को फिटनेस से जोड़ने के लिए। आपने बहुत अच्छा किया। असल में फिटनेस से जुड़ा हुआ बहुत कुछ मैं आपसे पूछना चाहूंगी, लेकिन उससे पहले दर्शकों को ये बताना चाहूंगी कि अभी जो आपने रिकॉर्ड बनाया है वर्ल्ड रिकॉर्ड, वो 26 घंटे कुछ मिनट का है? 36 घंटे 21 मिनट आपने लगातार सूर्य नमस्कार किया? जी जी। मतलब आपने बीच में कोई ब्रेक भी नहीं लिया? नहीं, ब्रेक 3 घंटों में, सिर्फ पानी पीने का ब्रेक है और कोई ब्रेक नहीं। खाना पीना तो इसके लिए पहले कुछ कई सालों का अभ्यास है, खाना पीना बंद भी करना पड़ता है। अच्छा। हाँ, 1 साल पहले भोजन बंद किया था। मतलब ये इसकी तैयारी कैसे की थी आपने? तैयारी तो ऐसे ही, मैं बचपन से स्पोर्ट्स में रहा हूँ। हाँ। तो सुबह 3 बजे उठकर रनिंग करना है। तो एक दिन ऐसे ही मन में विचार आ गया, टीवी देख रहा था मैं, स्वामी रामदेव जी एक विद्यार्थी का इंटरव्यू ले रहे थे सूर्य अच्छा। नमस्कार को लेकर। अच्छा। तो पता चला कि 4,500 सूर्य नमस्कार का रिकॉर्ड बनाया किसी ने। अच्छा। तो मन में ऐसे विचार आ गया कि क्या हम भी कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो मन में ऐसे विचार आया, तो उसको कोशिश करी। फिर धीरे धीरे कोई 20-30 सूर्य नमस्कार लगे थे, हालत बुरी हो गई थी, क्योंकि एक सूर्य नमस्कार में 12 एक्सरसाइज है। हाँ जी। अगर हम 10 से सूर्य नमस्कार कर लिए तो 120 एक्सरसाइज हो गई। तो मुश्किल लगा कि 50 सूर्य नमस्कार किए अगले दिन, धीरे धीरे 100 किए तो और मुश्किल हो गया। 4,500 करना बहुत बड़ी बात है। बस एक दिन ठान लिया ऐसे ही मन में, करना है तो इसी में रिकॉर्ड तोड़ना है, काम ऐसा करना है कि अपने माता पिता, अपने गाँव का नाम रोशन, अपने भारत तक ही नहीं पूरी दुनिया में चमकाना है। क्या बात है। उसको देखकर बस प्रैक्टिस धीरे धीरे अभ्यास करते रहे, और बचपन से ही महापुरुषों की जीवनी पढ़ने का बड़ा रुचि रही है, स्वामी दयानंद की, राम प्रसाद बिस्मिल की, तो उनसे बड़ा प्रभावित था। क्या बात। तो ऐसे ही स्टार्ट कहानी हुई। जब मैं छोटा था उसी टाइम मेरी माता जी एक्सपायर हो गई थी, तो बस एक मन में विचार था कि हम भगत सिंह तो नहीं बन सकते, लेकिन भगत सिंह की तरह हम युवाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन सकते हैं, और युवा उसको देखकर अगर प्रेरणा ले रहा है तो बहुत बड़ी बात होगी। क्या बात है। अभी आपकी आयु कितनी है?
आयु 28 साल। आप 28 साल के हैं और आपने 28 साल की आयु तक पहुंचते पहुंचते 6 बार आपने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया और 6 बार उसे तोड़ भी दिया जी जी। है ना, तो अभी जैसे आपने 36 घंटे 21 मिनट का आपने रिकॉर्ड बनाया है, इसके लिए क्या कुछ विशेष तैयारी आपको करनी पड़ी थी? हाँ बिल्कुल, ऐसे तो हम जब खेल खेलते हैं तो 3-4 घंटे प्रैक्टिस करते हैं ग्राउंड में, तो उसके लिए विशेष तैयारी के लिए पहले तो हमने भोजन को त्याग किया, और भोजन ये किसी मैंने डॉक्टर से या किसी सलाह नहीं ली। हाँ। बचपन से ही मेडिटेशन करने का बड़ा एक रुचि रही है, तो ऐसे मेडिटेशन करते करते मन विचार आया कि तुम्हें क्या खाना है क्या नहीं खाना, परमात्मा ने अंदर से जब बोलता रहा वैसे अपने जीवन में बदलाव किया। भोजन छोड़कर मैंने फल फ्रूट हरी सब्जी इन पर धीरे धीरे प्रैक्टिस की, क्योंकि मुझे पता लगा कि अन्न से बॉडी के अंदर आलस्य आएगा, ज़्यादा अन्न का प्रयोग कर लिया तो फिर इतनी घंटे हम प्रैक्टिस नहीं कर पाते। फिर धीरे धीरे हमने 1 घंटे सूर्य नमस्कार करने का अभ्यास बनाया, फिर 2 घंटे 3 घंटे, ऐसे धीरे धीरे 100 सूर्य नमस्कार से लेकर 1000 सूर्य नमस्कार, 2000 3000 सूर्य नमस्कार रोज करने का अभ्यास किया। तो बड़ा मुश्किल था अपने आप को, क्योंकि जब एक ही एक हम कोई प्रैक्टिस करते हैं तो हमारा मन टूट जाता है, क्योंकि एक प्रैक्टिस करने से ज़्यादा व्यक्ति, क्योंकि माइंड को कंट्रोल करना बहुत बड़ी बात है, और इसके लिए मेडिटेशन किया, प्राणायाम का अभ्यास किया और महापुरुषों की जीवनी पढ़ी, उससे बहुत कुछ प्रेरणा मिली कि हिम्मत नहीं हारनी चाहिए जीवन में, कितना भी संघर्ष हमें करना पड़े वो संघर्ष जारी रखा। और एक दिन परमात्मा ने सुनी, सभी का आशीर्वाद रहा, योग ऋषि स्वामी रामदेव जी महाराज जी का भी आशीर्वाद रहा, तो उनका मंच भी मिला। तो पहली बार हुआ कि जब तैयारी की थी सूर्य नमस्कार को ब्रेक करने के लिए 4500, तो परमात्मा ने उस दिन इतनी सुन ली थी, परमात्मा ने आशीर्वाद दिया कि 10000 सूर्य नमस्कार में वो रिकॉर्ड तोड़ा। ओह, स्टार्ट ही आपने 10000 से किया? नहीं नहीं, मेरा वो था कि 5000 सूर्य नमस्कार करना था। हाँ। लेकिन उस दिन परमात्मा ने इतनी शक्ति दी थी मुझे, खुद पर मैं सोच नहीं पा रहा हूँ कि कैसे हुआ। वाह। ये क्योंकि परमात्मा के या शक्ति के बिना कुछ नहीं होता। बिल्कुल ठीक। हम तो एक नाम सीमित है, हमारे नाम के माध्यम से कुछ वो ही करवा रहा है जो करवा रहा है। बिल्कुल। तो उस दिन 17 घंटे 30 मिनट 31 सेकंड के अंदर 10000 एक सूर्य नमस्कार का रिकॉर्ड कायम हुआ। तो अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री, राज्यपाल, स्वामी रामदेव जी सभी ने इंटरव्यू भी लिया, खूब बधाइयाँ दी। तो सोचा जिंदगी में कुछ किया है, तो उससे एक युवाओं को एक नया मैसेज गया कि दुनिया में असंभव कुछ नहीं है, अगर हम ठान ले तो कर सकते हैं। तो उस दिन मेरे को भी लगा कि आगे हम और भी कर सकते हैं। फिर धीरे धीरे अभ्यास करते रहे और रिकॉर्ड को कायम करते रहे। फिर जो लास्ट रिकॉर्ड बनाया था उसके बाद 36 घंटे 21 मिनट वाला, उसमें भी मेरे समस्या आ गई थी, मेरे घुटने का लिगामेंट टूट गया था उस टाइम करते समय जब 30 घंटे पर आ गया था। ओहो। उसके बाद भी 6 घंटे और अभ्यास किया उस रिकॉर्ड में, घुटने का लिगामेंट टूट गया, हाथ की नाड़ी ब्लॉक हो गई थी। बस मैंने उसी टाइम महर्षि दयानंद जी की जीवनी याद करी कि जब स्वामी दयानंद को लोगों ने उनको जहर भी दिलाया, पत्थर भी बरसाए, लेकिन उन्होंने वेद और सत्य का मार्ग नहीं छोड़ा था। अगर हमने ठान लिया है हम महापुरुषों की संतान है तो हम कर सकते हैं, जी शरीर के प्राण निकल जाए, शरीर टूट जाए, लेकिन जो एक संकल्प लिया है उसको पूरा करेंगे। क्या बात है। तो इसके लिए बहुत 7 दिन पहले ही सब कुछ फल फ्रूट भी बंद कर दिए थे, 1 सप्ताह पहले, 1 दिन सोना पहले ही बंद कर दिया था, क्योंकि नींद को कंट्रोल भी करना बहुत बड़ी बात है इसमें, क्योंकि इंसान 36 घंटे जागना। हाँ, मुश्किल है। मतलब मैं तो सोची थी कि 6-7 घंटे बाद ही नींद आनी शुरू हो जाती है। अगर जाग भी जाए कोई बड़ी बात नहीं। हाँ। लेकिन 36 घंटे लगातार कोई अभ्यास करना नामुमकिन होता है, लेकिन उसको मुमकिन किया जा सकता है अगर हम ठान ले तो। दुनिया में असंभव कुछ नहीं है। मेरा यही संकल्प था कि दुनिया में ऐसा ही रिकॉर्ड बनाना है कि दुनिया उस पर कभी विश्वास ही ना करे। सही बात है। जब मुझे भी पता लगा था आपके बारे में तो मुझे लगा था 36 घंटे कोई व्यक्ति कर भी सकता है, इतना मतलब इतना एक तरह से तपस्या है ये। इस एक्सरसाइज को हम एक बार नहीं कर पाते। सूर्य नमस्कार जब हम एक बार करते हैं ना तो हम सोचते हैं बहुत कर लिया, एक काफ़ी है। इसके लिए आज बहुत सारे जैसे सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहे हैं रिकॉर्ड, तो उसमें कई 3-4 लाख लोगों ने शेयर करी है वीडियो, तो उसके अंदर वो लगभग जो लोगों के कमेंट आ रहे हैं जो वो यही आ रहे कि ये असंभव है, ये हो ही नहीं सकता। तो ज़िंदगी में सोचा कि लोगों ने असंभव कहना अगर किया है तो ज़िंदगी में कुछ किया है। तो उसमें बहुत सारे कमेंट ये भी होते हैं कि रात रात को किया हुआ सूर्य नमस्कार, या दिन में किया हुआ, या दिन में कर लिया और रात को सो गए होंगे, कोई ब्रेक आ गया हो, या खाना खाया होगा,
तो ऐसे बहुत तरह के लोगों के प्रश्न भी उठते हैं इस तरह के लेकर। तो ये बिना खाने पीने का अभ्यास था, सिर्फ इसमें हर 3 घंटे में पानी पीने का होता है कि हर 3 घंटे में पानी पी सकते हैं। अच्छा, और कुछ नहीं। अनाज तो पहले ही बंद कर दिया था, फल फ्रूट थे वो 1 हफ्ता पहले ही बंद कर दिए थे, सोना 1 दिन पहले ही बंद कर दिया था, और उसके बाद 2-3 दिन ऐसे ही फिर, क्योंकि इतना कुछ किया है तो यह कि बहुत अभ्यास किया उसकी सफलता मिली, बहुत संघर्ष रहा है। बहुत बहुत ज़बरदस्त, मतलब सुन के मुझे बहुत अचंभा हो रहा है।